ट्रेनिंग की तपस्या के पश्चात कर्तव्य पथ पर अपनी यात्रा शुरू कर रहे जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी शूरवीरों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देश के सबसे सम्मानित सबसे गौरवशाली पुलिस फोर्स की परंपरा के ध्वजवाहकों को मेरा पहला संदेश है कि कर्तव्य परायणता, त्याग, समर्पण और संघर्ष की इस यात्रा में देश की रक्षा, समाज की सुरक्षा का महान दायित्व अब आपके कंधों पर है। जम्मू कश्मीर पुलिस का सेवा, साहस और बलिदान का लंबा इतिहास रहा है। अपने रक्त के तर्पण से जम्मू कश्मीर पुलिस के एक एक वीरों ने मातृभूमि की एकता और अखंडता को अक्षुण बनाए रखा है तथा समाज की समृद्धि और विकास के मार्ग को भी प्रज्वलित किया है। साहस, शौर्य, धैर्य, आत्मबलिदान तथा अनुशासन जैसे गुणों के लिए विख्यात इस पुलिस फोर्स की ट्रेनिंग के दौरान सीखे गए मूल्य एवं प्रोफेशनल ट्रेड क्राफ्ट आपको अपूर्व शक्ति का स्वामी बनाते हैं। मुझे विश्वास है सभी नौ प्रशिक्षक अब बड़ी से बड़ी ताकत से लोहा लेने तथा हर तरह की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बने। यहाँ उपस्थित माँ भारती का हर एक सिपाही जम्मू कश्मीर की आवाम की जीवंत आस्था और उसका विश्वास है। अपनी तत्परता, क्षमता, समर्पण और हौसले से भविष्य में आस्था और विश्वास के इस बंधन को और मजबूत करना यह भी आपकी जिम्मेदारी है। इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर पुलिस के उन वीर देशभक्तों को पूरे सम्मान और श्रद्धा से नमन करता हूँ जिन्होंने देश की सेवा में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। डीएसपी हुमायूं भट्ट, अरशद खान, सैफुल्ला, मुदासिर अहमद जैसे अनेक वीरों के सर्वोच्च बलिदान ने देश के आदर्शों की रक्षा के लिए आहुति देने की एक गौरवशाली परंपरा को कायम रखा है। मुझे पूरा यकीन है कर्मभूमि में ऐसे योद्धाओं की बहादुरी, दृढ़ निष्ठा और उनका त्याग सभी नौ प्रशिक्षकों को सदैव प्रेरणा देता रहेगा। साथियों, आज अपने मातृभूमि की रक्षा की जो प्रतिज्ञा आपने ली है उसके साथ आपके जीवन का एक नया लक्ष्य शुरू हुआ है। अब आप इस महान राष्ट्र की एकता, अखंडता, इसकी विविधता और विकास के रखवाले हैं। इस वर्दी ने आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी डाली है। चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती आवे, रास्ते चाहे जितने मुश्किल हों, यह देश आपसे उम्मीद करता है कि आप इस एकता को बनाए रखेंगे तथा विकास की यात्रा में वीरतापूर्ण सेवाओं से नई जान फूंकेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के अभिन्न अंग के रूप में आज आपको अवसर मिला है कि इस अमन चैन को बनाए रखें और इसके दुश्मनों का पूरी तरह से सफाया करें। आपको आज से ये संकल्प लेना है कि मानवता के सबसे बड़े दुश्मन आतंकवाद को समाप्त करना आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। आज से कर्मभूमि में आप के जो भी कदम उठेंगे वो देश के हित में होंगे। आपका व्यक्तिगत आचरण अमन के दुश्मनों में भय पैदा करे और तरक्की के सहचरों में विश्वास जगाए, मैं ऐसी कामना करता हूँ।